शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निर्जल एवं निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। भगवान को एकादशी तिथि अति प्रिय है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण इस दिन व्रत करने वाले भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं। किंतु इन सभी एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसमें व्रत रखकर संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों जितना पुण्य कमाया जा सकता है। यह है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित पौराणिक कथाओं के कारण इसे पांडव एकादशी तथा भीमसेनी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से जहां मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहीं अनेक रोगों से निवृत्ति एवं सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। जो श्रद्धालु वर्ष की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से अन्य सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा तथा दान करने से जातक जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत मई अथवा जून के महीने में होता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला तथा मन में जल संरक्षण की भावना को उजागर करता है। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण न किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। यदि कुछ कारणों की वजह से जातक प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 12 जून बुधवार की साय 6:27 से प्रारंभ होकर 13 जून गुरुवार की साय 4:49 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2019 में निर्जला एकादशी का व्रत 13 जून गुरुवार के शुभ दिन किया जाएगा। इस वर्ष निर्जला एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 14 जून शुक्रवार की प्रातः 5:47 से 8:25 तक का रहेगा।
दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।